हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में ये एक गेज है, ठीक है। इस गेज का नाम क्या है, जहां पर यहां पर मेंशन किए हुए हैं मैनिफोल्ड गेज या मैनिफोल्ड वाल्व भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक एयर कंडीशनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। ये गेज के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर अक्सर क्या है, क्लाइंट्स पास आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आपसे गेज के बारे में पूछा जाता है कि कंपाउंड गीजर क्या काम है, प्रेशर गीजर क्या काम है, ठीक है। इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे क्या क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। और जब आप सिस्टम के पास काम करने जाएं, तो इस गेज से आप कैसे काम कर सकते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। और हम आपको एक वीडियो इसके साथ में अभी अटैच करके, हम सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे किस तरह से आप प्रेशर को अंदर डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट जो भी है। तो इसके अंदर जो है, ये मैनिफोल्ड गेज के अंदर जो है, मैनिफोल्ड गेज इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दोनों लगे हुए होते हैं, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज। लेकिन अगर आपका जो है, आपके पास अगर ये गेज अलग मिलता है, ये जो ब्लू वाला है ये कंपाउंड गेज है, और रेड वाला जो है ये प्रेशर गेज है, अगर दोनों अलग 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 आपको मिलता है, तो आप उसको बोलेंगे ये कंपाउंड गेज, इसको प्रेशर गेज, मैनिफोल्ड गेज इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ये दोनों एक साथ कनेक्टेड रहेगा, तो आप इसको बोल सकते हैं मैनिफोल्ड गेज। या आपसे क्लाइंट सीधे आपको ये अगर हाथ में देगा, बोलेगा इसका क्या नाम है, तो आप मैनिफोल्ड गेज इसको बोल सकते हैं। अब इसमें पूछेगा कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, तो आपको अलग अलग ये दोनों को बताना है कि ये प्रेशर गेज है, ये कंपाउंड गेज है। अब दोनों के बारे में, दोनों का काम क्या है, ठीक है, दोनों के बारे में आपको बताएंगे। और दूसरी बात कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को मालूम होता है कि इसके अंदर जो PSIG का रीडिंग होता है, PSI का जो रीडिंग होता है, उसको ही ज्यादा लोगों को मालूम होता है कि 20, 50, 30, 40, 60 PSIG, 80 PSIG, जो भी PSI है, डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर या सक्शन लाइन का प्रेशर को मेजर करने के। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा वैल्यू रीडिंग होता है, ठीक है। आप देखे होंगे ना, इसके अंदर जैसे दिया हुआ है R404A, R22, R410, इस तरह से कुछ रीडिंग और इसके अंदर भी नंबरिंग किया हुआ है। तो ये क्या चीज है और इसका क्यों ये दिया हुआ है, इसका क्या उपयोग है, तो हम इसको आपको वीडियो को जूम करके डायल के पास ला करके आपको हम पूरा क्लियर करके बताएंगे, दिखाएंगे। इसको हम ओपन करके उसके बाद आपको दिखाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर का जो रीडिंग है बाकी रेफ्रिजरेंट का, और जो अपना सेंटीग्रेड में जो भी ये है, सेंटीग्रेड में मिल सकता है, फारेनहाइट में मिल सकता है, हर गेज में डिफरेंट डिफरेंस ये करता है। फिलहाल जो हमारा ये कंपाउंड गेज से क्या है, कंपाउंड गेज से हम प्लस में भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं और माइनस में भी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड गेज से हम वैक्यूम करते हैं, 30 इंच HG जो किया जाता है, हम कंपाउंड गेज से ही करते हैं। प्रेशर गेज से हम वैक्यूम सिस्टम को नहीं कर सकते हैं, इसमें रीडिंग मालूम नहीं चलेगा। वैक्यूम में तो लगा देंगे सिस्टम को, वैक्यूम भी होगा, लेकिन हम रीडिंग शो नहीं कर सकते हैं, वो मेरा कनेक्ट अच्छा से है कि नहीं है, तो हम प्रेशर गेज से वैक्यूम जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे हम वैक्यूम कर सकते हैं। और कभी भी जो है हमारा जो कंपाउंड गेज है, इसका रीडिंग जो है कम होता है, प्रेशर गेज के हिसाब से कंपाउंड गेज का जो रीडिंग वैल्यू होता है वो कम रहता है। जैसे इसका 0 से लेकर 250 PSI है, उसी तरह से इसका 0 से लेकर 800 PSI तक दिया हुआ है हमारा प्रेशर गेज का रीडिंग, ठीक है, कंपाउंड गेज का रीडिंग। लेकिन एक चीज और क्या है कि इसका माइनस में है, ठीक है, माइनस में हम रीडिंग इसको चेक कर सकते हैं, माइनस में कितना इंच तक हुआ, कितना इंच एजी तक हुआ, सेंटीमीटर में, इंच में, इस तरह से रहता है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। कभी भी हम जो है कंपाउंड गेज को जो है सिस्टम का सक्शन लाइन में लगाते हैं चेक करने के लिए, अगर डिस्चार्ज लाइन में लगाते हैं, तो ये हमारा गेज खराब होने का चांस है। क्यों, उसका डिस्चार्ज लाइन का मान लीजिए आप 134A है, तो चलो उसका तो प्रेशर एक आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई रेफ्रिजरेंट है 22 है, दूसरा कोई अपना R32 है, तो आप इसमें लगाएंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, 270, 300 इस तरह का समथिंग आपको प्रेशर मिलेगा, तो इसका रीडिंग तो 250 तक ही है, तो उसमें क्या है आपका गेज खराब होने का चांस होता है। प्रेशर गेज से ही आपको डिस्चार्ज लाइन को चेक करना है। सक्शन लाइन का जो है आप सक्शन अपना ये कंपाउंड गेज से चेक करें, समझ गए। तो ये सक्शन लाइन के लिए दिया गया, तो आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि कंपाउंड गेज का क्या काम है, डिस्चार्ज और प्रेशर गेज का क्या काम है, तो आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड गेज का ये काम है, प्रेशर गेज का ये काम है। कंपाउंड गेज से क्या क्या आप काम कर सकते हैं वो भी आप डिफिनेशन कर दें, प्रेशर गेज से क्या काम कर सकते हैं वो भी आप डिफिनेशन इजी कर सकते हैं। तो ये हमारा गेज से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि ये जो लाइन होता है, आपको बताते चलूं, ये कंपाउंड गेज ये जो सीधा लाइन है ना, ये लाइन डायरेक्ट ओपन रहता है, ये आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, ये दोनों भाग क्लोज रखने का, ठीक है, कभी भी
ये सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो ये जितना भी अपना सिस्टम का रनिंग प्रेशर रहेगा वो प्रेशर आपको सिस्टम के पास शो होगा, ठीक है, गेज में आपको शो होगा। उसी तरह से डिस्चार्ज लाइन का भी सेम रहता है, लेकिन ये बीच वाले लाइन जो है ये दोनों से कनेक्टेड रहता है। जिधर का आप वाल्व ओपन करेंगे उसके साथ ये लाइन जो है कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर मान लीजिए हमको सक्शन लाइन का काम करना है, अगर गैस गैस डालने के लिए क्या है, कभी भी ये बीच वाले लाइन को सिलेंडर के साथ कनेक्ट करते हैं जो अपना मेन हीटर लाइन है, ठीक है, और ये जो अपना अपना कंपाउंड गैस का जो लाइन है इसको हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आप अपना रेफ्रिजरेंट जो है सिलेंडर का आप खोल लिए, खोलने के बाद क्या है, बाद में आप इस वाल्व को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके जरिए जो है ऐसे होते हुए जो है, एक मिनट, ये लाइन है मान लीजिए, ओके, ये मेन लाइन है, इसका इधर से भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है दोनों, ठीक है ना। तो कभी भी ये भी निकला हुआ है, तो ये वाला लाइन सीधा ओपन रहता है, ये हो गया प्रेशर गेज, सॉरी इसको कंपाउंड गेज मान लीजिए, इसको प्रेशर गेज मान लीजिए, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये लाइन तो हमारा सीधा कनेक्ट रहेगा, कभी भी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे टू सिस्टम, सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका सिस्टम का रनिंग प्रेशर वगैरह टोटल शो होगा, और इसके बाद जब आप गैस डालना है तो कभी भी आप जो है ये लाइन को आप सिलेंडर के साथ कनेक्ट करें, सिलेंडर, ठीक है ना, ये वाल्व वगैरह रहता है, ये सिलेंडर के साथ आप कनेक्ट करें, इसको खोल के ओपन करके आप गैस डालना है तो आप इसके जरिए जितना प्रेशर तक आपको डालना है थोड़ा रुक रुक करके ये वाल्व को ओपन क्लोज करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वैक्यूम करना है, सेम कंडीशन है, ये आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दीजिए, इसको वैक्यूम मशीन में लगा दीजिए तो आपका जो है वैक्यूम हो जाएगा। तो दोनों सेम प्रोसीजर है। अभी हम इसके अंदर का रीडिंग का प्रोसेस आपको हम बताते हैं कि क्या इसके अंदर का जो बाकी वैल्यू है। ये देखिए दोस्तों, तो ये हमारे पास दो गेज है, मैनिफोल्ड गेज, ये दोनों मैनिफोल्ड गेज है, तो एक हमारे पास पुराना है तो हम पुराने वाले पे एक्सप्लेन करेंगे, ये नया के अंदर देखिए लेकिन रीडिंग डिफरेंस है दोनों में जो है। एक इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये 404A है, फिर R22 है, फिर 410 का इसके अंदर टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका आप मतलब गेज से प्रेशर देख सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारा जो मेरे पास पुराना गेज है, ये पुराना गेज में क्या, इसके अंदर जो देखिए R134A, R22 और R12 का इसमें आप मेजर कर सकते हैं। देखिए ये सेंटीग्रेड में, इसके अंदर जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, जो कि ये वाला गेज में हमारे पास जो है इसमें हमारा फारेनहाइट में देखिए दिया हुआ है, तो फारेनहाइट में, तो उससे मतलब नहीं है, टेम्परेचर को हम जो है फारेनहाइट या सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको जैसा बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हमारा जो है इसको हम सॉरी इंडिकेटर बोलते हैं, और ये जो हमारा है ये हमारा पॉइंटर है, स्टॉपर, ठीक है, और ये जो हमारा है कैलिब्रेशन स्क्रू, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज हो गया अंदर का, ये जो पूरा है ये हमारा डायल है। अभी ये जो हमारा इंडिकेटर है इससे हम प्रेशर तो हम प्लस में देख ही लेंगे इधर में PSI में, अब हमको वैक्यूम करना है, तो वैक्यूम के टाइम क्या होता है कि ये हमारा जो है ना इंडिकेटर ये हमारा डाउन जाता है, ठीक है, ये डाउन जाता है, तो हम 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी तक हम इसको ये करते हैं, या 30 इंच तक, इंच में 30 आएगा और अपना ये सेंटीमीटर में 76 आएगा, तो ये हम वैक्यूम करने के लिए यूज करते हैं। जब वैक्यूम करेंगे तो ये हमारा डाउन जाएगा, ओके, और जब हम प्रेशर चेक करेंगे रनिंग प्रेशर वगैरह चाहे गैस डालेंगे तो ये हमारा प्लस में जाएगा, मतलब ये हम आगे में हमारा 50 60 70 जितना का रिक्वायर्ड है उतना हमारा ये जाएगा प्रेशर। अब इसके अंदर देखिए 0, 10, 20, 30 ये जो लिखा हुआ है ना, ये टोटल आप जैसा देख पा रहे हैं ये PSI में है, और आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं, ये हमारा PSI में है, ओके, और इसके अंदर का जो डेल है, ये अंदर जो इनर पार्ट है जो, ये जो हमारा KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम लोग गैस को जो है KG में भी मेजर करते हैं, PSI में मेजर करते हैं, और KPA रहेगा तो उसमें भी हम लोग मेजर करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो केजी में है और PSI में, हम आपको इसका फंक्शन बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये लाइन है, ये लाइन ऑलरेडी हम आपको बताएं कि ये डायरेक्ट लाइन रहता है, इसके अंदर अगर हम प्रेशर देंगे, इसके अंदर अगर हम प्रेशर देते हैं तो ये हमारा जो है निडल जो है अप की ओर जाएगा, ठीक है।
ये देखिए कैलिब्रेशन स्क्रू हम कब यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा आउट हो जाता है ये लाइन जो है, अगर मान लीजिए ये इधर आउट हो जाता है, तो इससे हम जो है कैलिब्रेशन करके इसको हम एडजस्ट करते हैं जहाँ पे सही करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अभी देखिए हमारा इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, जैसा हम आपको बताए थे, ये जब हमारा जो है ना जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर आएगा उस हिसाब से क्या कहते हैं, उस हिसाब से ये हमारा जो है अपना जो इंडिकेटर है ये ऊपर की ओर जाएगा। ये देखिए देखिए यहाँ अभी 30 PSI पर आ गया, ओके, ये हमारा 30 PSI पे आ गया, अब इसके बाद 40 पे आ गया, ओके, इसके बाद 50 पे आ गया। अगर KG में आप अगर देखते हैं तो ये 3.5 में है, क्यों, ये 3 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है, बीच में ये मतलब एक यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस जो है 0.5 है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 4.5 है, फिर ये टोटल 5 है। इसके बाद यहाँ पे जो PSI में प्रेशर है वो 70 है, यहाँ पे 60 है। तो हम आपको बताए थे अभी ये तो हो गया आपका प्रेशर का PSI में मेजर करने के लिए, KG मेजर करने के लिए। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर का फंक्शन का क्या काम है। ये जो आपका रीडिंग जो अंदर दिखा रहा है ना, ये 10 है, 20 है, 10 है, ये जो 3 डायल अंदर में जो है, ये डायल जो है हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर को ये दर्शाता है। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ये शो कर रहा है, जो सेंटीग्रेड में है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है। ये कौन सा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर शो कर रहा है, R134 है, R22, R12, ठीक है। अभी देखिए अगर हम आपको बताया था कि इंडोर यूनिट जो हमारा है उसका हमारा कूलिंग कॉइल का जो डिजाइन किया जाता है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कोई इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका हम प्रेशर कैसे देख सकते हैं। तो हमको मान लीजिए R22 का देखना है तो 4.4 हम प्रेशर में सेंटीग्रेड में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ 0 से ये 5 के बाद 10 है, तो यहाँ पर हम जब 4 में आते हैं 4.5 के बीच में, मतलब तो ये हमारा 68 में, देखिए हमारा ये इंडिकेटर हमारा 68 में PSI में जा रहा है। तो हमारा ये हो गया R22 का प्रेशर का। उसी तरह से क्या कहते हैं, अगर हमको R134 का देखना है तो R134 का देखिए कलर कोड कौन सा है, ऐसा वाला है, तो इसका देखते हैं 0. क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 है, तो यह 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको भी 4.4 में आते हैं, या 4.5 से 5 के बीच में रहता है, तो हम 5 में आएंगे। तो इसका देखिए हमारा कितना दिखा रहा है, 35 प्रेशर दिखा रहा है। तो हमारा R134 का कितना प्रेशर रहता है, 35 रहता है, वो हो गया। अब इसी तरह से अगर हमको 12 का देखना है तो 12 का भी सेम रहेगा कंडीशन, 4.4 में जाकर देख लेंगे, ठीक है ना, सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में 40 डिग्री फारेनहाइट आएगा। तो इस तरह से हम जो है चेक कर सकते हैं, कोई भी हमारा रेफ्रिजरेंट रहे उसका हम लोग प्रेशर चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज का भी हम लोग देख सकते हैं, इससे सुपरहेड भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन आज का ये बताने का। हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी हमारे पास मैनुफोल्ड गेज है, तो मैनुफोल्ड गेज में हम आपको बताए थे कि बीच वाला जो लाइन है ये हमारा सिलेंडर से कनेक्ट होता है, और ये जो हमारा कंपाउंड गेज का जो लाइन है ये डायरेक्ट कंप्रेसर से कनेक्ट हम करते हैं सक्सन लाइन में। तो जितना हमारा गैस है ये दोनों वाल्व हमारा क्लोज है अभी, लेकिन ये लाइन ओपन रहता है इसलिए हमारा गैस का प्रेशर दिखा रहा है, जितना हमारा सिस्टम में गैस डाला हुआ है, ठीक है, जितना रनिंग प्रेशर है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं 55 के आसपास हमारा रनिंग प्रेशर है। तो अगर हमको गैस डालना है तो हम ये लाइन को ओपन करेंगे, ये ओपन हम किया, देखे ये घंटा ऊपर बढ़ गया, ये अपना आइडल प्रेशर में दिखा रहा है, ये घंटा बढ़ गया, तो अभी जैसे ही गैस उसके अंदर जा रहा है, अभी क्लोज करेंगे तो फिर से दिखाएगा यहाँ पे रुका हुआ। तो जितना गैस हमको डालना है उस हिसाब से हम इसको इंक्लूड करेंगे, ओके। तो ये हमारा आज का था ये गैस का फंक्शन।